दोस्तों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर एसएस राजामौली की अगली फिल्म को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है और एसएस राजामौली द्वारा इस जानकारी के सामने लाते ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मच गया है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आखिर एसएस राजामौली ने क्या जानकारी दी है अपनी नई मूवी को लेकर, जिसके आते ही अब हर कोई पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इसी अपडेट के बारे में बातें कर रहा है। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फिल्मी जगत से जुड़ी हुई सभी खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आप भी मेरी तरह एसएस राजामौली की फिल्मों के फैन हैं तो इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। देखिए दोस्तों आजकल हर दिन साउथ सिनेमा के सितारों की खबरें सोशल मीडिया पर खूब हंगामा मचाती हैं। चाहे फिर वो प्रभास की अपकमिंग मूवी आदि पुरुष को लेकर कोई अपडेट हो या फिर जूनियर एनटीआर का बॉलीवुड में वॉर 2 की फिल्म का हिस्सा बनना। लेकिन दोस्तों इसी बीच एसएस राजामौली ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी नेक्स्ट मूवी जो कि होने वाली है महेश बाबू के साथ, इस मूवी को बनाया जाएगा 3 पार्ट्स में। यानी कि जिस तरीके से एसएस राजामौली ने बाहुबली को 2 पार्ट्स में बनाया था उसी तरीके से अब इस मूवी को एसएस राजामौली 3 पार्ट्स में बनाएंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि ये एक एडवेंचर एपिक मूवी होने वाली है और अब इस मूवी की स्टोरी और स्क्रिप्ट राइटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है और अब बहुत जल्द इस मूवी की शूटिंग को भी शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों बताया जा रहा है कि महेश बाबू अपने सभी कामों से फ्री होना चाहते हैं, क्योंकि एसएस राजामौली की इस मूवी में महेश बाबू के कम भी 5 से 6 साल जाने वाले हैं। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि ये मूवी अब 3 पार्ट्स में बनाई जाएगी, तो दोस्तों ये आप मान के चलना कि 5 से 6 साल के बीच में आपको महेश बाबू की कोई और फिल्म देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका सारा टाइम जाने वाला है शूटिंग में। तो इसके लिए महेश बाबू चाहते हैं कि वो सबसे पहले अपने सारे पेंडिंग काम खत्म कर दे ताकि फिर वो शूटिंग में अपना पूरा ध्यान दे सके। बाकी दोस्तों एसएस राजामौली की इस मूवी का हम सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा और जैसे ही ये मूवी आपको पता ही है कि रिलीज होते ही 500 करोड़ 2000 करोड़ तो वैसे ही कमा लेगी, क्योंकि जिस तरीके की फिल्में एसएस राजामौली ग्रैंड लेवल पर बनाते हैं उनके लिए जनता कितने भी सालों तक इंतजार कर सकती है। बाकी दोस्तों इस अपडेट को जानने के बाद आप इस अपडेट के बारे में क्या सोचते हैं और आपको इस मूवी को लेकर क्या विचार हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।